परिंदे का घोंसला तो उजाड़ सकते हैं, उसका हौसला कैसे छीनेगा। एक मिनट में राहुल गांधी के फेवर में फैसला होगा, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने, उन्हें सजा सुनाए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस नेता ने बिल्कुल यही शब्द कहा है। एक मिनट में राहुल गांधी जी के फेवर में डिसीजन होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की एक कोर्ट ने दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। अब राहुल गांधी की सजा और लोकसभा सदस्यता बहाल कराने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है। अब राहुल गांधी अपने खिलाफ आए फैसले को चुनौती देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहां एक तरफ राहुल गांधी के लिए राहत भरी खबर सामने आई, इसमें चुनाव आयोग ने कहा कि अभी राहुल गांधी की सीट यानी वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कहा कि इस सीट पर 6 महीने तक हमारे पास उपचुनाव के ऐलान करने का समय है। वहीं दूसरी तरफ जो खबर सामने आई है, राहुल गांधी की सजा के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो गई है और जल्दी इस याचिका को अदालत में दाखिल की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी सामने आई कि कांग्रेस के शीर्ष विधि सलाहकार पुनर्विचार याचिका पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी 1 या 2 दिन में सजा को चुनौती देने वाली याचिका को दायर करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस लड़ाई को हम कानूनी और राजनीतिक दोनों रूप से लड़ेंगे। एज ए लॉयर मैंने मैटर देखी है। राहुल गांधी जी वाले केस में पहली बात तो एक केस ही नहीं बनता, सेकंड सूरत का ज्यूरिडिक्शन नहीं लगता। अगर सूरत में उस मैटर को चलाना है तो कानून कहता है कि 202 के तहत इंक्वायरी किए बिना कि मेरा लोकस मेरा टेरिटरी में आता है उसके लिए करनी चाहिए, वो नहीं की है। पुलिस को इंक्वायरी देनी चाहिए या जज को करनी चाहिए। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि इफ इंक्वायरी अंडर 202 इज नॉट कंडक्टेड देन एंटायर ट्रायल इज विशिएटेड एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एडवोकेट्स कैन रेज दिस इश्यू। वो सारे रेज किए थे अपने जजमेंट में, वो लिखते हैं, पर उसको डेल्ट नहीं की क्योंकि कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर भी जुडिशियस प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट जुडिशियस हमारे लिए केस सुना जाएगा। एक मिनट में राहुल गांधी जी के फेवर में डिसीजन होगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि कानूनी टीम अपना काम कर रही है, हम जानते हैं कि अपील कहां करना है। आपको दे दे, अगर राहुल गांधी के मामले पर कोर्ट रोक लगा देती है तो राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता रद्द हो सकती है। हालांकि कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या फैसला होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस कोर्ट जाने में देरी कर रही है, इसको लेकर कांग्रेस नेता ने ही सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि पार्टी प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में अपील और सबसे बड़े नेता के लिए हफ्ते भर साइलेंट। जहां राहुल गांधी के मामले में देरी होने को लेकर कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता के लिए ही 1 हफ्ते में कोर्ट में 1 अपील भी दाखिल नहीं कर सकी। उन्होंने पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम लिए बिना कहा कि पार्टी के 1 प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी कांग्रेस, लेकिन सबसे बड़े नेता के लिए हफ्ते भर से साइलेंट है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पार्टी प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली पार्टी अपने सबसे बड़े नेता के लिए 1 हफ्ते में 1 अपील दाखिल भी नहीं कर पाई। दरअसल आपको बता दें, 23 फरवरी को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और कांग्रेस नेताओं के साथ जयपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने भारी विरोध प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए थे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस के उन्हीं नेताओं प्रवक्ताओं जो कि बड़े बड़े वकील हैं, उन्हीं का कहना है कि ये लीगल प्रोसीजर है, इस पे लीगल टीम लगातार काम कर रही है। जो याचिका तैयार की गई है उसकी लीगल टीम समीक्षा कर रही है। इसके बाद 1-2 दिन में राहुल गांधी याचिका को कोर्ट में दायर करेंगे।